पश्चिम बंगाल में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कितनी रैलियां करेंगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहां रोड शो, और टीएमसी की महिला नेताओं के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। बंगाल चुनाव की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक के बाद एक चार रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी आज दक्षिण 24 परगना और हुगली में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। ममता व्हीलचेयर से बीजेपी और विरोधियों पर हमले कर रही हैं। बंगाल में तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के चुनावी समर में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नड्डा पहली रैली श्रीरामपुर में संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष टॉलीगंज में एक रोड शो में शामिल होंगे। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। इसके बाद नड्डा चिंसुरा में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में कल दो रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कल बंगाल के कूचबिहार और हावड़ा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला करते हुए उनकी नाकामियों को गिनाएंगे। पीएम कह चुके हैं कि 2 मई को बंगाल में डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार बनेगी। एसपी सांसद जया बच्चन आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। जया हाई प्रोफाइल टॉलीगंज से 3 बार के एमएलए अरूप विश्वास के लिए प्रचार करेंगी। अरूप के खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया है। ममता ने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा क्योंकि दीवार पर दीदी हैं, लेकिन लोगों के दिल में मोदी है। चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत होगी। जिस तरह से 900 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला आया है, भतीजे को जिस तरह से पूरा संरक्षण मिला है, उसे लगता है कि वहां केवल लूट चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि मैं पिछले 3 महीने से उत्तर बंगाल में हूं। 2 चरण के चुनाव के बाद जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, उसे बीजेपी की विजय यात्रा आंधी का रूप ले रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में हताशा है, इसलिए उन्होंने नंदीग्राम में तमाशा किया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा सहित टीएमसी की 3 महिला नेताओं ने पीएम पर आरोप लगाए हैं। महिला नेताओं का आरोप है कि पीएम अपनी जनसभाओं में तंज भरे लहजे में दीदी का जिक्र करते हैं। यह न केवल सीएम ममता बनर्जी का बल्कि बंगाल की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता से अपील करते हैं कि वो अब खुद ही जवाब दें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार रविवार शाम को खत्म हो गया। प्रचार के अंतिम दिन सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। 31 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। दक्षिण 24 परगना की 16, हावड़ा की 7 और हुगली की 8 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर 205 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बलों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 200 कंपनियों को पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा। इन्हें 6 अप्रैल को असम में होने वाले तीसरे फेज के मतदान के बाद शिफ्ट किया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।